Naira. Love. Kush. भगवान बच्चे हैं ये दोनों। नायरा स्टॉप इट। यू स्टॉप इट। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो हमें? तुम तो चुपचाप फिल्म देख रहे हैं। फिल्म नहीं देख रहे, वायलेंस देख रहे हो, वही मारधाड़ एंड ऑल दैट। हाँ तो क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है? तुम खुद भी तो हॉरर फिल्म देखते हो और फिर डरते भी हो। हाँ तो क्या हो गया, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, ये रिमोट मेरे पास ही रहेगा अब से। छोड़ो रिमोट, छोड़ो नायरा। चुप हो जाओ तुम दोनों। दादी देखिए ना, ये मुझे फिल्म नहीं देखने दे रहा है। सही तो कर रहा है नायरा, ये भी कोई देखने की चीजें हैं। सुना, कोई अच्छा सा चैनल देखो, अब पूजा अर्चना वाला। और वैसे भी इस कंडीशन में एक्शन फिल्म्स कौन देखता है? इतनी लाउड और डिस्टर्बिंग साउंड। बेटा मैं वहाँ बैठा था, मैं डर गया सोच के कि पता नहीं क्या हो रहा है। बेचारा छोटा सा बेबी तो डर ही जाएगा ना। पापा ये दो दिख रहे पीछे नूडल्स, ये कितने बिगड़ गए अभी। हमने क्या किया? भाभी का मन हुआ तो हम लोगों ने चला दिया था। हाँ वैसे भी हम तो टीवी देखते ही नहीं है। तारी पतलू कहीं की, मैं तो बाद में देखती हूँ, मैं पहले तुम्हारे भाई से निपट लूँ। ओए नूडल्स, चलो पढ़ाई करने चलो। और तुम, ओ तुम या सूदिंग म्यूजिक लगाओगी, ये सब नहीं देखोगी। कार्तिक प्लीज, तुम्हें पता है कि मैं कोई भी फिल्म बीच में नहीं छोड़ती हूँ, देखने दो ना। मैंने बोल दिया, बस बोल दिया, एंड ऑफ डिस्कशन। कार्तिक छोटे से बेबी का छोटू सा दिल तुम तोड़ोगे क्या? इमोशनल ब्लैकमेलिंग बंद करो। नायरा बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि सब ठीक है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि किसी चीज का ध्यान ही नहीं रखना है। अब से ये चैनल ही लगेगा, ये शो ठीक है। ये क्या, ये फूल पत्ते, ये नहीं देखना मुझे। ये देखकर जो तुम्हारा छोटू मोटू सा दिल है ना, वो शांत रहेगा और खुश भी। वो मारदार देखने के बाद तो मेरा बच्चा गुंडा ही पैदा होगा, और पैदा होते ही पुलिस उसके नाम पे इनाम रख दी। क्या हुआ? चलो ये देखो, थोड़ा वॉल्यूम कम। ये सब नहीं देखना चाहिए मुझे।